हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं हमारे चैनल में, तो आप हमारे चैनल में जाकर ये सब पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में महानदी के बारे में। तो देखिए, महानदी के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग नक्शे के सहारे से उसको पढ़ेंगे। तो मैप के सहारे से उसको हम महानदी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका क्विज टाइम रहता है शाम को 4 बजे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल स्टडी स्टार्स, उसमें रहता है आपका क्विज शाम को 4 बजे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, जो आपको आज पढ़ाया जाएगा उसी का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महानदी दिया हुआ है, आप नीला कलर में देख सकते हैं, ये महानदी है। बाकी ये उनकी सहायक नदियाँ हैं, उनके नाम भी है यहाँ पे। तो हम इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें जो बताया जाएगा वो सारी चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, महानदी जो है यहाँ पे आपको बताया गया, जैसे कि ब्लू कलर का लाइन है, नीला कलर का लाइन जो है महानदी है। तो महानदी का जो उद्गम होता है कहाँ पे होता है, सिहावा पर्वत धमतरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से उद्गम होता है सिहावा पर्वत धमतरी में। यहाँ से उद्गम होकर ये पहले लेफ्ट की तरफ जाता है, आप देख सकते हैं, और कांकेर में चले जाता है। कांकेर से जाने के बाद ये फिर राइट की तरफ जाता है, फिर धमतरी में वापस आता है। और धमतरी में वापस आके जो रायपुर की सीमा है, और यहाँ पे क्या है, गरियाबंद और महासमुंद, इनकी सीमाओं पर चलते हुए बलौदा बाजार के बीच से निकलते हुए जांजगीर चांपा की सीमा में चलते हुए ये कहाँ चले जाता है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में जाने के बाद, मतलब इसकी मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी में है, मतलब ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, महानदी कहाँ से निकलता है, धमतरी से निकल के कांकेर, कांकेर से फिर वापस धमतरी, फिर रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद की सीमाओं पर चलते हुए बीच में बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा से होते हुए उड़ीसा चले जाता है। फिर उसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, तो 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरते तक की। उड़ीसा में जो गया हुआ है उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जब पहुंचता है, तब इसकी कितनी की लंबाई हो जाती है, 858 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में 286 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जो यहाँ से लेकर ऐसे जाते हुए यहाँ तक 286 किलोमीटर है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो राज्य के मध्य में बहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, महानदी जो है उसके और सहायक नदियाँ हैं उसको मिलाकर जब देखते हैं हम लोग, तो इसकी जो अपवाह तंत्र है सबसे बड़ा हो जाता है, साथ में ये सबसे चौड़ा है, मतलब सबसे बड़ा नदी है महानदी जो है। और इसकी जल संग्रहण क्षमता की बात करें तो राज्य में 56.15% जल संग्रहण जो है महानदी के अपवाह तंत्र में है। मतलब जो राज्य में कुल नदियां हैं उनकी जल संग्रहण और महानदी की जल संग्रहण देखें तो लगभग आधा जो है महानदी के पास है। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसकी ढाल जो है पूर्व दिशा की ओर है। तो स्टार्टिंग में कहा जाती है, एक कांकेर की तरफ लेफ्ट दिशा में, फिर आगे ये मुड़ के पूर्व दिशा की तरफ चले जाती है। तो मुख्यतः इसका ढाल जो है किस तरफ है, पूर्व दिशा की ओर है। बाकी आपको समझ में आ गया होगा, महानदी कहाँ से निकलती है, धमतरी से, और कहाँ चले जाती है, तो जांजगीर चांपा से होते हुए रायगढ़ के पास से ये कहाँ चले जाती है, उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देखिए, जो महानदी है उसके तटीय नगर की बात करते हैं, मतलब महानदी के तट पर जो नगर पड़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है राजिम, फिर है सिरपुर, चंपारण, सिरीनारायण, आरंग और पलारी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज आप याद रखना कि कौन कौन से नदी पड़ते हैं महानदी के तट पर। इसकी नामकरण की बात करते हैं, तो देखिए किस युग में इसका क्या नाम था, इसके बारे में पूरा डिटेल पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसका वर्णन देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सतयुग की। तो देखिए, सतयुग में महानदी को नीलोत्पला कहा जाता था। फिर देखते हैं हम लोग द्वापर युग में, तो द्वापर युग में महानदी को चित्रोत्पला, महाभारत काल में महानंदा, वायु पुराण में नीलोत्पला कहा जाता था, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में इसे चित्रोत्पला कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या है, ऋषि तुल्य, कनक नंदनी, महाशिवता। तो इतने डिटेल में आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में है। तो किस नदी पर है, तो महानदी पर है, और 26 किलोमीटर लंबा बांध है महानदी पर, हीराकुंड बांध उड़ीसा में। तो इम्पोर्टेंट है, 26 किलोमीटर लंबा बांध है। तो यहाँ पे जो भी चीज आपको बताया गया है सारे चीज इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है जो महानदी है उनकी सहायक नदियों के नाम। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक नदियाँ, उनके नाम बताया गया है।
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उत्तर दिशा से जो नदी आती है और महानदी भी मिलती है उसके बारे में। तो उत्तर दिशा में कौन कौन सी नदी है, तो सबसे पहले है ईब नदी जो कि कहाँ से निकलती है, खुर्जा पहाड़ी से। और खुर्जा पहाड़ी कहाँ है, तो जसपुर में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जसपुर जिला है और जसपुर जिला के पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से, ध्यान रखना पंडरा पाट के खुर्जा पहाड़ी से निकलती है ईब नदी। ईब नदी जो है संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में जाकर महानदी से मिल जाती है। ईब नदी के जो रेत है उसमें सोने के कण पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईब नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ईब नदी जो है छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर लंबी है और इसकी टोटल लंबाई जो है 202 किलोमीटर है। पूरा डिटेल हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं केलो नदी। तो देखिए केलो नदी कहाँ से है, तो लुड़ेंग पहाड़ी। और लुड़ेंग पहाड़ी कहाँ पे है, तो लैलुंगा तहसील जो कि रायगढ़ जिला में है। तो रायगढ़ जिला के लैलुंगा तहसील में लुड़ेंग पहाड़ी है, वहां से निकलती है केलो नदी। और केलो नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 112 किलोमीटर है। ये भी उड़ीसा में जाकर मिल जाती है महानदी से। इंपॉर्टेंट बात कि ईब नदी केलो नदी दोनों जो है उड़ीसा में जाके महानदी से मिल जाती है। इसमें जो है कौन सी परियोजना है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है केलो नदी पर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तीसरा कौन सा है, मांड नदी जो कि कहाँ पे है, मैन पार्ट में। और मैन पार्ट है सरगुजा जिला में। तो यहाँ पे देखिए आप सरगुजा जिला के मैन पार्ट से निकलती है मांड नदी और ये यहाँ पे आके चंद्रपुर में मिल जाती है किसके साथ, महानदी के साथ। इधर से देखिए लात नदी जो भी है वो भी आके मिल जाती है महानदी में चंद्रपुर में। और तीनों के बीच एक संगम होता है जिसे चंद्रपुर का संगम कहते हैं। और मांड नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 155 किलोमीटर है मांड नदी की कुल लंबाई। चलिए चौथा देखते हैं हम लोग, बोराई नदी। तो बोराई नदी निकलती है कोरबा पठार से, तो कोरबा जिला में। तो यहाँ पे कोरबा जिला में कोरबा पठार से निकलती है बोराई नदी और यहाँ पे आकर क्या है, जांजगीर चांपा में क्या है, संगम हो जाता है महानदी के साथ। पांचवा देखते हैं हम लोग, हसदेव नदी जिसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो देवगढ़ की पहाड़ी से है। तो कोरिया जिला के कैमूर श्रेणी के देवगढ़ की पहाड़ी से हसदेव नदी का उद्गम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिया जिला में, तो कोरिया जिला से इसका उद्गम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, मिनी माता बांगो बांध जो है हसदेव नदी पर है। 176 किलोमीटर लंबी है हसदेव नदी और मिनी माता बांगो बांध है हसदेव नदी पर। एक इंपॉर्टेंट बात और भी है, हसदेव नदी जो घाटी है वो कोयला खदान के लिए प्रसिद्ध है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके जो उत्तर से आती है नदियां उनके बारे में कंप्लीट। तो आगे हम लोग देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो छत्तीसगढ़ में महानदी है उसकी जो सहायक नदियां हैं दक्षिण दिशा से उनके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण दिशा से कौन कौन सी नदी आती है। तो सबसे पहले हम लोग लात नदी के बारे में बात करेंगे। तो लात नदी जो है रदन की पहाड़ियों से निकलती है जो कहाँ पे है, महासमुंद में। तो आप यहाँ पे देखिए महासमुंद में रदन की पहाड़ियों से निकलकर चंद्रपुर में महानदी से और मांड नदी से ये मिल जाती है। तो यहाँ पे तीनों का संगम होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोक नदी को। तो जोक नदी जो है सोनबेरा पठार उड़ीसा से निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोनबेरा पठार उड़ीसा से निकलकर ये जो महासमुंद है उसकी सीमा में बहते हुए ये जाके जांजगीर चांपा में किससे मिल जाती है, महानदी और शिवनाथ नदी दोनों नदी से जाकर ये मिल जाती है। तो तीनों नदी का संगम होता है सूर्य नारायण पर। जोक नदी, महानदी और शिवनाथ नदी तीनों का संगम है सूर्य नारायण पर। चलिए अगला नदी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पैरी नदी है। पैरी नदी का उद्गम है भारतगढ़ पहाड़ी से जो कि गरियाबंद में है। तो गरियाबंद में बिंद्रानवागढ़ तहसील में भारतगढ़ का पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। पैरी नदी में सिकासार परियोजना है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। पैरी नदी की लंबाई कितनी है, तो 90 किलोमीटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गरियाबंद से निकलती है और 90 किलोमीटर दूरी तय करते हुए ये महानदी से जाकर मिल जाती है। अगला देखते हैं हम लोग सोंडूर नदी। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नवरंगपुर कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से उद्गम होता है इसका और यहाँ पे आकर ये क्या है, महानदी से जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे भी तीनों का संगम होता है। कहाँ पे होता है, तो राजिम में होता है। ध्यान रखना एक संगम होता है आपका चंद्रपुर में, दूसरा संगम होता है आपका सूर्य नारायण पर और तीसरा संगम होता है आपका राजिम में। तो राजिम में सोंडूर, पैरी और महानदी तीनों का संगम होता है। अगला है आपका सिलियारी नदी जो कि धमतरी से निकलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं धमतरी से निकलकर ये महानदी में जाकर धमतरी में ही मिल जाती है। फिर दूध नदी की बात करते हैं, तो मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलती है दूध नदी कांकेर जिला में। तो कांकेर जिला से यहाँ से निकलकर दूध नदी महानदी में आकर मिल जाती है। फिर सबसे लास्ट में बात करते हैं हम लोग शिवनाथ नदी की। तो पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है शिवनाथ नदी जो कि राजनांदगांव जिला में है पानाबरस की पहाड़ी। तो यहाँ से निकलते हुए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दुर्ग जिला से होते हुए, बेमेतरा जिला से होते हुए ये मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला के जो सीमा है वहां से बहते हुए
यहाँ पर आपको श्री नारायण पर तीनों का संगम होता है, शिवनाथ, महानदी और जोग नदी का। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 290 किलोमीटर लंबी है और महानदी जो है 286 किलोमीटर लंबी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, हम लोग बात करते हैं नदियों के संगम के बारे में। तो सबसे पहला संगम होता है राजिम में महानदी, पैरी और सोंडूर का। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखिए सोंडूर का, पैरी का और महानदी का, तीनों का संगम होता है राजिम में। फिर दूसरा संगम होता है श्री नारायण पर महानदी, शिवनाथ और जोग नदी का। तो दूसरा संगम आपका यहाँ पे जोग नदी, महानदी और श्री नारायण का। तीसरा संगम होता है आपका महानदी, मांड नदी और लात नदी का। कहाँ पे? तो चंद्रपुर में। तो चंद्रपुर में तीनों का संगम होता है। तो तीनों संगम इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तीनों संगम आप याद रखिएगा। और मैंने इस वीडियो में कोशिश किया है जितने भी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है महानदी से संबंधित, वो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में कवर कर लिया जाए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ छूट गया है तो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट इस चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो आपको यहीं से मिलेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन करें।